हाय माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका रवि सर और हमारा आपका एक प्यारा सा खूबसूरत चैनल रवि इंस्टीट्यूट केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। अगर आप सभी लोग यूट्यूब चैनल पर नए नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें। तो देखिए, हम बच्चों आपको जो बता रहे हैं यहाँ पर 12th की केमिस्ट्री जो आपको पढ़ा रहे हैं, उस 12th की केमिस्ट्री का जो चैप्टर चल रहा है जिसका नाम चैप्टर का है आपका एल्कोहल फिनॉल ईथर, जिसमें हम एल्कोहल पढ़ चुके हैं, फिनॉल चल रहा है और इसके बाद अभी आपके सामने ईथर बाकी है। तो इस एल्कोहल फिनॉल ईथर के अंतर्गत हम फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टी आपको क्या कर रहे हैं बता रहे हैं। तो जो फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टी का आज का लेक्चर होगा उसमें अब आप ध्यान दीजिएगा, कल हमने फिनॉल की थैलिक एनहाइड्राइड से क्या किया था, अभिक्रिया बताया था, और उस लेक्चर में मैंने आपको फिनॉल का अम्लीय प्रकृति भी बताया था। तो आप लोग उस लेक्चर्स को जरूर देखें, तब इसको देखने का प्रयास करें। तो फिनॉल की जो आज हम प्रॉपर्टी बताएंगे, आज भी इसके अंतर्गत आपके इंपॉर्टेंट सेक्शन आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहली आज इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होगी वो है फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टी एसिटिल क्लोराइड से क्रिया, रिएक्शन विथ एसिटिल क्लोराइड। तो आपको बच्चों एकदम सीधा सीधा सा बात बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा कि अगर फिनॉल की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड से की जाती है तो फेनिल एसीटेट प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? फेनिल एसीटेट। एसिटिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COCl। तो हम इसकी लैंग्वेज पहले आपको बता रहे हैं, फिनॉल की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, एसिटिल क्लोराइड के साथ करने पर, फिनॉल की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ करने पर फेनिल एसीटेट क्या प्राप्त होता है भैया? फेनिल एसीटेट प्राप्त होता है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि फिनॉल का जो चैप्टर है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया था कि इंटरमीडिएट में इससे रिएक्शन लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसके साथ साथ ये ग्रेजुएशन में भी, बीएससी सेकेंड ईयर में भी, और कॉम्पिटिशन में भी इससे क्वेश्चन कई आते हैं। तो ये हो गया राजू आपका फिनॉल और यहां पे OH, ये है आपका क्या? फिनॉल। अगर अब हम इसका रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड से करते हैं तो एसिटिल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है CH3COCl। ये जो है यही आपका क्या है? एसिटिल क्लोराइड। ये जो आपके सामने फॉर्मूला मैंने लिखा है ये फॉर्मूला क्या है आपका? एसिटिल क्लोराइड का। अब जब एसिटिल क्लोराइड से इसका रिएक्शन करते हैं तो इस फिनॉल में यहां से एच निकलता है, एक तरीके से यह भी एसिटिक नेचर ही शो कर रहा है, यहां से एच निकलता है और यहां से सीएल, देख लीजिए। तो आपका बाहर क्या हो गया भैया? एच सीएल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बाहर हो गया और ये पूरा जो एसिल ग्रुप आपको देख रहे हो ये जाकर के वहां से जुड़ जाता है रिंग से। तो ये देखिए, ये आपका एसिल एज वेल एज, और अब जब यहां हुआ तो ऑलरेडी पहले यहां से ओ है और अब ये जाकर के जुड़ता है तो यहां से क्या जुड़ जाएगा बोलो? COCH3, यही तो है COCH3 आपका, यही जाकर के जुड़ गया यहां पे। तो अब देखिए, अगर इसका बात अगर देखो सब लोग, जैसे एसिटिक अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला CH3COOH होता है, इसमें से अगर एक एच निकल जाता है तो ये बनता है एसीटेट। क्या बचा? ये एसीटेट, और वही आपके सामने देखिए CH3COO एसीटेट है ये। और अगर आप इसका नाम अभी बताएं तो ये है फेनिल और ऊपर क्या लिखा गया है? एसीटेट। तो आपको मिला क्या भैया? इसका नाम क्या है?
फेनिल एसीटेट, क्या नाम है इसका, फेनिल एसीटेट। तो ये आपका क्या हो गया, रिएक्शन हो गया, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही है ही। तो फिनॉल की अभिक्रिया अगर हम एस्टिल क्लोराइड के साथ करते हैं तो आपको फेनिल एसीटेट प्राप्त तो होता है। अब इसके बाद जो हम आपको इसका रिएक्शन बताने जा रहे हैं, एक रिएक्शन आपको बताने जा रहे हैं जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, एक तरीके से अगर हम कह दें तो महा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो आपके लिए। वो रिएक्शन को आप लोग जरूर देखें और उसको बढ़िया तरीके समझने का प्रयास करें, उस रिएक्शन की आपको हम डेप्थ तक ले जाने का प्रयास करेंगे। तो वो रिएक्शन है क्या, उस चीज को अब समझें। अगला हम नए रिएक्शन आपको बता रहे हैं वो है आपका, इसको आप लोग कह सकते हो कोलबे स्मिट अभिक्रिया। क्या नाम है उसका भैया, कोलबे स्मिट अभिक्रिया, दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। कोलबे स्मिट अभिक्रिया, मैं आपको बता दे रहा हूं कि कोलबे स्मिट अभिक्रिया जो हुआ करती है इसका फाइनल प्रोडक्ट सैलिसिलिक एसिड होता है। सबसे पहले हम फिनॉल लिया करते हैं और फिनॉल की अभिक्रिया हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से करा देते हैं। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराओगे तो आपको सोडियम फिनोक्साइड मिल जाएगा या सोडियम का फिनॉल का सॉल्ट मिल जाता है, और फिर उस सोडियम फिनोक्साइड की अभिक्रिया हम कार्बन डाइऑक्साइड से, मतलब कार्बोक्सीलेशन उसका कर देते हैं, तो आपको मिल जाता है फेनिल सैलिसिलेट। और लास्ट में हम फेनिल सैलिसिलेट जो हुआ करता है उसका हम क्या किया करते हैं, जो आपके सामने फेनिल सैलिसिलेट एक तरीके से सैलिसिलिक एसिड का अम्ल का रूप होता ही है, तो उस हम फेनिल सैलिसिलेट जो हुआ करता है उसका हम अम्लीय माध्यम में जलपटन कर देते हैं। तो आपको क्या मिल जाया किया करता है, सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। किताबों में इसको क्या किया गया है, डायरेक्टली ऐसे लिख दिया गया है, तो बच्चों जो बड़े टॉपिक लेवल पे होते हैं तो समझ लेते हैं बड़े आसानी से, लेकिन आप भी जब आपकी आदत बन जाएगी अभी तो आप भी ऐसा करने लगेंगे। लेकिन हम आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिए, इस अभिक्रिया को, दीज आर रिएक्शन, इस अभिक्रिया को निम्न पदों में लिखा जा सकता है, निम्न पदों में लिखा जा सकता है। स्टेप फर्स्ट, फिनॉल की अभिक्रिया बहुत मजा आएगा इस रिएक्शन में, ध्यान दीजिएगा, फिनॉल की अभिक्रिया किससे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से करने पर, फिनॉल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से करने पर सोडियम फिनोक्साइड क्या प्राप्त होता है, सोडियम फिनोक्साइड प्राप्त होता है। ये तो मैंने आपको अम्ली वाले माध्यम में भी इस रिएक्शन को बताया था, कहीं नया रिएक्शन नहीं है। तो ये हो गया राजू आपका फिनॉल और प्लस NaOH, नाम आप लिख सकते हैं सबका नीचे। आप देखिए इसका नेचर अम्ली होता है, ये आपका है फिनॉल, तो इसका नेचर अम्ली और ये क्षार है, तो अम्ल का हाइड्रोजन आयन और क्षारक का OH आयन मिलेगा तब जल निकलता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अकॉर्डिंग। और आप ध्यान दीजिए यहां से जब H बाहर हो गया और यहां से OH, तो बचा क्या है केवल Na, तो यहां पे आपके इस बेंजीन रिंग के साथ यहां जुड़ जाता है ONa, और इसी का नाम होता है
सोडियम फिनोक्साइड, क्या नाम होता है इसी का, सोडियम फिनोक्साइड। पहली चीज, फिनॉल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से करने पर सोडियम फिनोक्साइड प्राप्त होता है। स्टेप फर्स्ट है ये, स्टेप सेकंड, मजा आएगा इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। अब इस सोडियम फिनोक्साइड की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से की जाती है, वो भी बताया जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो रिएक्शन होता है इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी होता है, दाब एवं ताप दोनों कंडीशन लगाई जाती है, और उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हुआ करता है वो आपका 140 डिग्री सी पे ताप कह सकते हो। तो क्या बनेगा जानते हो, सोडियम सैलिसिलेट बनता है। तो ध्यान दीजिएगा, सोडियम फिनोक्साइड की अभिक्रिया, सोडियम फिनोक्साइड की अभिक्रिया ध्यान दीजिएगा किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करने पर सोडियम सैलिसिलेट प्राप्त होता है। अगर जो बच्चे इसको इंग्लिश वर्जन में ट्रांसलेट करना चाहते, थोड़ा सा भी ध्यान दें, सोडियम फिनोक्साइड रिएक्ट टू CO2 गिव सोडियम सैलिसिलेट, अंग्रेजी वर्जन वाले भी बच्चे बड़े आराम से लिख सकते हैं। तो अब हम रिएक्शन आपको बता रहे हैं राजू, ये है आपका फिनॉल, सॉरी सोडियम फिनोक्साइड Na, देखिएगा जो बना हुआ है ये है आपका सोडियम फिनोक्साइड है। अब इसका रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से 140 डिग्री सी पे किया जाए। तो यही थोड़ा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, लास्ट वाले स्टेप में कोई नहीं कंफ्यूज होता है, मैं आपको बता रहा हूं सुनिए। यहां से क्या होता है, यच निकलता है इस रिंग पे, क्या है यहां पे यच, और ये यच माइग्रेट होकर के यहां पे आता है ओ के पास, तो अब क्या हो जाएगा ओ एच, समझिए यहां से यच निकलेगा यहां जाएगा तो यहां क्या हो जाएगा ओ एच, और अब यहां जो ये खाली हुआ यहां से आकर के क्या जुड़ता है, अब सुनिए सर पहले बना दे रहा हूं, ये आपकी बेंजीन रिंग है, अब सुनिएगा यहां से तो क्या हो गया, अब आपका पहले ओ था, अब यहां से यच निकल के गया यहां पर, ये हो गया यच, अब जब ये खाली हुआ प्लेस तो यहां पे देखिए ऐसे खाली हो गया, तो यहां पे आके कार्बन डाइऑक्साइड होता है, क्या होता है COO, CO2 है ना ये, और फिर Na माइग्रेट हो जाता है, तो यहां हो जाता है Na, कोई चीज ना बाहर गई ना कहीं गई, एकदम सब्सी में जुड़ गई, यच निकल के ऊपर गया और CO फिर यहां पे आके जुड़ता है और Na, और इसी का नाम है सोडियम सैलिसिलेट। ये सोडियम सॉल्ट है ना सैलिसिलिक अम्ल का, इसी इसका नाम यही अच आ जाएगा, तो सैलिसिलिक अम्ल है बस। तो ये जो है आपका क्या है, सोडियम सैलिसिलेट सैलिसिलेट ये आपका, और जो ये सोडियम सैलिसिलेट है स्टेप थर्ड एकदम बढ़िया समझ में आ जाएगा, सोडियम सैलिसिलेट आयन है ना ये, का अम्लीय माध्यम में क्या करने पर, जल अपघटन करने पर, हाइड्रोलिसिस, जल अपघटन करने पर, जल अपघटन करने पर क्या प्राप्त होता है बोलिए, सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है, सैलि
सिलिक अम्ल प्राप्त होता है, सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है, यही रिएक्शन है। अब रिएक्शन को लिखने चल रहे हैं, ये आपका क्या है सोडियम सैलिसिलेट, यहां पे है OH और यहां पे क्या है सी डबल ओ और एन ए, यही तो है सी डबल ओ एन ए और प्लस H2O। अब H2O में सबको मालूम होता है OH और ये क्या होता है H, और यहां पर मैंने बताया ये कौन सा माध्यम होता है अम्लीय माध्यम, कौन सा माध्यम होता है राजू अम्लीय माध्यम, ये सोडियम सैलिसिलेट और ये आपका क्या है जल, और यहां H प्लस लिखा दिया, यहां से देखिए एन ए और यहां से OH गए, और जब ये NaOH बाहर हो गया तो अब यहीं से H आके जुड़ जाएगा, बस हमारा प्रोडक्ट आ जाए, और ये देखिए यहां से OH और यहां पे सी डबल OH प्लस, और प्लस आपका बाहर क्या हो जाता है जल, और ये जो है इसी का नाम होता है सैलिसिलिक अम्ल या सैलिसिलिक एसिड। तो ये मैंने पूरा आपको क्या बता दिया कोलबे स्मिट अभिक्रिया, फिनॉल की अभिक्रिया आप सोडियम हाइड्रोक्साइड से किए तो सोडियम फिनॉक्साइड बना, सोडियम फिनॉक्साइड की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से किए तो सोडियम सैलिसिलेट बना, और सोडियम सैलिसिलेट का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन आपने कर दिया हाइड्रोलिसिस कर दिया तो सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीके से ये रिएक्शन आपका है, अगर आप थोड़ा जब समझदार हो जाते हैं और थोड़ा आप जब दिमाग से बार बार, इसीलिए तो कहते हैं कोई रिएक्शन एक बार में नहीं आता बाबू, उसको आप बार बार लिखेंगे जितनी बार, केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जान लीजिए आपने सुना भी है अच्छी तरीके से कि आप एक दिन पढ़िए अगले दिन सफा, तो आपको ऐसे नहीं समझ में आएगी एक चीज, ये सब प्रैक्टिस पे हुआ करती है, डिपेंड किया करती है। तो जो बच्चे प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करने के लिए आपको टाइम चाहिए, और उसको आप बनाइए पढ़िए टाइम टेबल अकॉर्डिंग से पढ़िए। अब इसी रिएक्शन को अगर हम कह देना तो मैं तो एकदम सीधा सीधा सा ऐसे लिखता भी, यहाँ पे ये फिनॉल है मैंने इसकी NaOH से अभिक्रिया किया माइनस, यहां से क्या हो जाता ये आपका Na उधर जाता H2O बाहर हो जाता और यहीं पे आपको मिल जाता सोडियम फिनॉक्साइड, और फिर सोडियम फिनॉक्साइड की मैं कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता और फिर आपको यहां हो जाता OH और सी डबल ओ एन ए सोडियम सैलिसिलेट, और सोडियम सैलिसिलेट की हम हाइड्रोलिसिस कर देते, और जब हाइड्रोलिसिस कर देते तो वाटर बाहर हो जाता माइनस H2O और यही आपको ये मिल जाता OH और यही सी डबल OH, यही इतना ही रिएक्शन है कोलबे स्मिट अभिक्रिया। और इसीलिए जब हाईटेक पे आप थोड़ा सा दिमाग से मजबूत हो जाते हैं तो ये देखिए पहला स्टेप, फिर ये दूसरा स्टेप और फिर ये तीसरा स्टेप, ये एकदम शॉर्टकट तरीका होता है, और ये आपको तब आता है जब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती है, और विदाउट प्रैक्टिस के आप कुछ कर नहीं सकते हैं ये भी जान लीजिए, तो सोइए नहीं और पढ़ाई कीजिए। अब देखिए हम आपको बता रहे हैं, यहीं से ध्यान दीजिएगा एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन निकल के आता है, और वो चीज हम आपको छोड़ेंगे नहीं, भले चाहे जितना आपको ये कहने का मतलब लगता है या लॉन्ग पढ़ाते हैं ये कुछ होता है नहीं, हम पढ़ाएंगे पूरा। तो जो ये सैलिसिलिक अम्ल आपने अभी बनाया था यही था आपका, यहाँ पे क्या है OH और यहाँ पे क्या है सी डबल OH, ये आपका सैलिसिलिक अम्ल है, और इसी सैलिसिलिक अम्ल से क्या हुआ करता है आपको बता दे रहे हैं कि सैलिसिलिक एसिड किसे दो प्रोडक्ट और बनाए जाते हैं, और एक का नाम है एस्प्रिन और एक का नाम है आपको बता रहा हूं ध्यान दीजिएगा वो है उसका नाम सैलॉल। तो अगर आपसे कोई कहे फिनॉल से सैलॉल बनाइए, फिनॉल से एस्प्रिन बनाइए, या आपको सैलिसिलिक अम्ल से एस्प्रिन बनाइए,
या सैलिसिलिक अम्ल से सैलॉल कैसे बनाया जाता है, तो इस रिएक्शन को हम इसीलिए आपको बता दे रहे हैं कि पहले आप कोल्बे स्मिट अभिक्रिया पढ़ लीजिए। अब कोल्बे स्मिट अभिक्रिया के आगे बता रहे हैं कि इस सैलिसिलिक अम्ल से भी दो उत्पाद आपको, दो कंपाउंड बनाए जाते हैं और वो मेडिसिन के रूप में, एस्पिरिन का मतलब जो एक पेन किलर हुआ करती है जिसको यूज करते हो, तो उसका हम आपको यहाँ पे भी दो रिएक्शन बता रहे हैं, उसको चीज को आप ध्यान दीजिएगा। तो नंबर एक है, इसी सैलिसिलिक अम्ल से बन रहे हैं ये सब, एस्पिरिन का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ एस्पिरिन, और वो किससे बनती है, इसी सैलिसिलिक एसिड से, और सैलिसिलिक एसिड आपने किससे बनाया है, फिनॉल से बनाया है। तो हम बता रहे हैं कि अगर हम सैलिसिलिक एसिड की अभिक्रिया आप एसिटिक एनहाइड्राइड से कर देते हो, किससे कर देते हो, एसिटिक एनहाइड्राइड से, सैलिसिलिक एसिड रिएक्ट विल बी एसिटिक एनहाइड्राइड टू गिव एस्प्रिन, क्या बना दिया करता है, एस्प्रिन का निर्माण किया करता है, जान लीजिएगा। तो आपको और ऐसे फिर इसी सैलिसिलिक अम्ल की अभिक्रिया पुनः फिनॉल से करा देते हैं तो सैलॉल प्राप्त होता है। अभी ऐसे आपको जैसे कहेगा फिनॉल का उपयोग, तो बच्चे लिखा देते हैं फिनॉल का उपयोग एस्प्रिन बनाने में, सैलॉल बनाने में, तो आप कहते हैं यार एस्प्रिन तो हमने बनाया नहीं, अब कह रहे हो एस्प्रिन बनाने में, कैसे बनेगी एस्प्रिन, सैलॉल कैसे बनेगा। तो इसीलिए मैं आपको उस रिएक्शन को भी बता रहा हूँ कि आप जानते रहो कि हम पहले फिनॉल को सैलिसिलिक अम्ल में चेंज करेंगे और फिर सैलिसिलिक एसिड को हम चेंज किस में करते हैं, फिर एस्प्रिन में, और फिर किस में, फिनॉल में क्या किया करते हैं, चेंज किया करते हैं। तो लिखिए लैंग्वेज यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए जरा, जो फिनॉल की अभिक्रिया किससे, एसिटिक एन, एन माने कमी होती है, हाइड्राइड माने वाटर, हाइड्राइड के साथ करने पर फिनॉल की अभिक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करने पर एस्प्रिन, या उसी का नाम होता है टू एसिटॉक्सी का, इसका रासायनिक नाम है टू एसिटॉक्सी बेंजोइक अम्ल, टू एसिटॉक्सी बेंजोइक अम्ल या एस्प्रिन, टू एसिटॉक्सी बेंजोइक अम्ल या एस्प्रिन प्राप्त होती है, ये फिनॉल नहीं होगा, सॉरी यहां पर होगा सैलिसिलिक अम्ल, क्योंकि फिनॉल तुसे तो हो चुका है ना, सैलिसिलिक अम्ल। अभी सोचते कुछ और है, लिखते कुछ और है, सैलिसिलिक अम्ल की अभिक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करने पर टू एसिटॉक्सी बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है, और उसी टू एसिटॉक्सी बेंजोइक अम्ल को ही हम लोग क्या कहते हैं, एस्प्रिन कहते हैं। तो देखिए ये हो गया आपका OH और यहां सी डबल OH, यहां से कोई चेंज नहीं होगा। अब आपका ये तो हो गया सैलिसिलिक एसिड, नाम लिखने में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं की जाएगी, सैलिसिलिक अम्ल। एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला होता है राजू CH3CO CH3CO, और इन दोनों को O से जोड़ दिया गया, ये है आपका एसिटिक एनहाइड्राइड, क्या नाम है इसका, एसिटिक एनहाइड्राइड। अब जब हम इसकी अभिक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड से करते हैं तो यहां से ही केवल एच निकलता है, यहां से एच, और एक मालिकूल CH3COOH निकल जाता है। तो अब देखिए अगर आप गायब करना चाहते हैं तो यहां से देखिए हम पूरा गायब कर रहे हैं CH3COO, और यहां से क्या पकड़ रहे हैं, एच,
और जो ये CH3COOH निकल रहा है ये देखिए एकदम साफ साफ। अब आपको बाहर क्या देखने को मिल गया, CH3COOH, SP का मतलब बाहर हो गया। यहां तो कोई चेंज हुआ नहीं, डरने की कोई बात नहीं। अब यहां से फिर क्या चीज होगा आपको ध्यान दीजिए, ये आपकी रिंग है, इसको तो आप थोड़ा सा तुम तिरछी हो गई ठीक है बेंजीन, कैसे तिरछी हो गई, तो यहां पे ये यहां से अभी देखिए यहां पर तो कोई चेंजेस नहीं हुआ, तो यहां तो रह जाएगा COOH, लेकिन ऊपर मामला कुछ गड़बड़ है। क्या है, यहां से यह हट चुका है लेकिन ओ तो है, तो ओ पहले रख दो, लीजिए जना। अब बचा क्या है आपके सामने, COCH3, जैसे अभी आपने उसमें लिखा था स्टील क्लोराइड वाले में, तो यहां हो जाएगा COCH3। अब आप देखिए तो ये जो ग्रुप है इसी को कहा गया है एसीटेट होता है, इसको एसिटॉक्सी लिखा गया ना, 2-एसिटॉक्सी हो गया ये और फिर बेंजोइक एसिड। तो जो ये आपके सामने बना इसका नाम तो मैंने पहले लिखा है, तो यहां शॉर्टकट में लिख देते हैं एस्प्रिन। क्या लिख दिया करते हैं, एस्प्रिन। और आपको मैं बता रहा हूं कि ये जो एस्प्रिन होता है एक पेन किलर होता है, ये क्या हुआ करता है, एक पेन किलर होता है। तो यहां इसको नीचे चाहे लिख दीजिएगा, एस्प्रिन का उपयोग, यूजेस ऑफ एस्प्रिन एज लाइक पेन किलर, उपयोग दर्द निवारक या नाशक, औषधि के रूप में किया जाता है, औषधि के रूप में किया जाता है। तो जो एस्प्रिन होता है इसका उपयोग जो है वो पेन किलर मेडिसिन के रूप में किया जाता है। तो यहां से आपको पूरी बातें एकदम कंफर्म हो जाया किया करती हैं। अब मैंने बताया अभी आपको कि इसी सैलिसिलिक अम्ल की अभिक्रिया अगर हम फिनॉल से कर दें तो फेनिल सैलिसिलेट मिल जाता है, और उसी फेनिल सैलिसिलेट को हम लोग सैलॉल कहा करते हैं। तो देखिए उस रिएक्शन को भी समझने की बात है एकदम मस्त बढ़िया सर। दो रिएक्शन बता रहा हूं, कोलबे स्पिट बताया, कोलबे स्पिट अभिक्रिया का जो बड़ा प्रोडक्ट था सैलिसिलिक अम्ल, उस सैलिसिलिक अम्ल से भी मैं बता रहा हूं कि कैसे स्प्रिन बनाई जाती है और कैसे सैलॉल बनाया जाता है। तो अगला है सैलॉल बी, सैलॉल या इसका जो कॉमन नेम है सॉरी केमिकल नेम फेनिल सैली सिलेट का निर्माण, सैलॉल या फेनिल सैलिसिलेट का निर्माण। तो अगर सैलिसिलिक एसिड की अभिक्रिया फिनॉल से की जाती है, किससे की जाती है, फिनॉल से, फिर से सैलिसिलिक एसिड रिएक्ट विल बी फिनॉल टू गिव क्या सैलॉल, ये ध्यान दीजिए। तो आपको यहां बता रहे हैं लैंग्वेज, सैलिसिलिक अम्ल की अभिक्रिया फिनॉल से करने पर, फिनॉल से करने पर सैलॉल प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, सैलॉल प्राप्त होता है। सैलिसिलिक अम्ल की अभिक्रिया फिनॉल से करने पर सैलॉल प्राप्त होता है। सैलिसिलिक अम्ल क्या है मैंने आपको बता रखा है, यहां पे होगा OH और ये COOH, ये आपका है सैलिसिलिक अम्ल, सैली
सिलिक एसिड या अम्ल। अब अगर इसकी अभिक्रिया फिनॉल से कराइए तो फिनॉल का फॉर्मूला अगर आप लिखेंगे रिंग के रूप में थोड़ा आपको बहुत क्रिटिकल हो जाएगा। इसे देखिए दिख रहा हूं रिएक्शन ओ एच सी सिक्स एच फाइव होता ना सी सिक्स एच फाइव ओ एच, तो ये आपका का हो गया भैया फिनॉल। अब यहां से एच और यहां से ओ एच देख रहे हो, यहां से एच और यहां से ओ एच और बाहर हुआ तो आपका बाहर क्या हो गया H2O। और जब H2O बाहर हुआ तो अब आपका जो बचा है वही इसको यहां जोड़ दीजिए, तो ये तो हो गई आपकी बेंजीन रिंग, यहां OH, यहां तो कोई चेंज हुआ नहीं है। अब इसमें देखिए यहां क्या हो गया सी डबल ओ और सी सिक्स एच फाइव, वहां देखिए यही अन्य आया था ना सोडियम सैलिसिलेट कहा था। अब इसको आप कहोगे फेनिल, जैसे सोडियम सैलिसिलेट वैसे क्या बोलोगे फेनिल और फिर सैलिसिलेट, फेनिल सैलिसिलेट और इसी फेनिल सैलिसिलेट का नाम भी क्या है आपका सैलॉल। क्या नाम है सैलॉल। तो इस तरीके से माय डियर आपको हमने क्या किया कोल्बे स्मिट अभिक्रिया बताया और उस कोल्बे स्मिट अभिक्रिया से रिलेटिव क्या किया हमने आपको ये रिएक्शन आपको क्या किया बताया जो कि इंपॉर्टेंट रिएक्शन बहुत है। इसके बाद चलिए अगली केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ हम आपको ले चलते हैं। जितनी ज्यादा आप कहने का मतलब रिएक्शन को केमिकल प्रॉपर्टी को विधिवत तरीके से अंडरस्टैंड, अभी अगर आप कहें तो सब रिएक्शन की मैकेनिज्म भी है, अभी कोल्बे स्मिट अभिक्रिया रिएक्शन की मैकेनिज्म भी पढ़ाई गई है डाल दीजिए ग्रेजुएशन के बच्चों को, उनके लिए तो खास तौर से मैकेनिज्म जो होती है वहां पे रिएक्शन तो रहता ही है उसके साथ साथ मैकेनिज्म भी पढ़नी होती है। और शुक्र मनाओ आप लोग कि अभी आपको मैकेनिज्म नहीं पढ़ा रहा हूं, केवल रिएक्शन बता के छोड़ दे रहा हूं। एक रिएक्शन की मैकेनिज्म मैंने बताया था वो भी डिहाइड्रेशन एल्कोहल जो बताया था, आपने देखा होगा कि एक रिएक्शन का ही कितना बड़ा आपको लेक्चर दिया गया था। अगला है अब जो भी रिएक्शन होगा इसको हम सेकेंड कैटेगरी में कर दे रहे हैं, फिनॉल की ऐसे लिख सकते हो बेंजीन रिंग से संबंधित अभिक्रिया, वैसे कोल्बे स्मिट अभिक्रिया भी बेंजीन से रिलेटिव है लेकिन वो नेम रिएक्शन था। तो एक चीज बता रहा हूं कि अब हम जो फिनॉल का केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे वो बेंजीन रिंग से रिलेटिव कुछ रिएक्शन बताने जा रहे हैं और उसमें से दो रिएक्शन तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है हाइड्रो आपका हैलोजनीकरण और एक है नाइट्रीकरण, हैलोजिनेशन और नाइट्रेशन दो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है जान लीजिएगा। एग्जामिनेशन में फिनॉप्थिलीन बनाना और हैलोजिनेशन नाइट्रेशन कोल्बे स्मिट अभिक्रिया राइमर टीमन अभिक्रिया ये आपके फिनॉल के चैप्टर की जान है। तो आपको हमने बताया क्या बेंजीन रिंग से संबंधित अभिक्रिया, मतलब कि जो ये फिनॉल है आपका अब इस फिनॉल में यहां जो OH ग्रुप है उसको छोड़ करके बाकी अब कहां दौड़ा आपका काम होगा इसी बेंजीन रिंग पर। तो जो बेंजीन रिंग से रिलेटिव आपके रिएक्शन हुआ करते हैं उसमें हम आपको बताते हैं सबसे पहली चीज, तो ये चीज आपको मैंने पहले ही बताया था कि अगर ये बेंजीन रिंग है यहाँ पे OH समूह जुड़ा है, अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आकर किस रिंग से जुड़ता है जैसे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रोफाइल एक्स से आ रहा है वो कहां जाए इस रिंग पर कहां जुड़े इसका निर्धारण ये OH करता है, तो इसीलिए इसको हम लोग डायरेक्टर या निर्देशक कहते हैं। तो ये बताया जाता है कि फिनॉल जो होता है वो एक आर्थो एवं पैरा डायरेक्टर होता है, हैलोजन्स में मैंने इस टाइप की रिएक्शन आपको पढ़ाया हुआ है, तो फिनॉल भी कैसा डायरेक्टर होता है आर्थो और पैरा,
मतलब ये जो कंपाउंड्स हुआ करते हैं, जो इलेक्ट्रोफाइल आते हैं, उसको ऑर्थो पोजीशन पे और किस पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे जोड़ने का कार्य करता है। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा यहां पे सब लोग। पहले हम एक नाम इसको लिख देते हैं, फिनॉल एक आर्थो, आर्थो का हम लोग शॉर्टकट में लिखते हैं क्या, ओ स्मॉल ओ, एवं पैरा पी निर्देशक या डायरेक्टर होता है। बस यही इतनी बात को है। कहने का मतलब जो आपको ज्यादा करके बेंजीनिंग से रिलेटिव कंपाउंड मिलेंगे उसमें इलेक्ट्रोफाइल आर्थो पोजीशन पे जा सकता है और पैरा पोजीशन पे लॉक कर सकता है। तो पहले आर्थो को लॉक करेगा फिर पैरा को, तो ये मिश्रण होते हैं तरीके से। तो यहाँ पे हम सबसे पहले आपको बताते हैं इसमें नंबर एक नाइट्रीकरण, नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल, ये है नाइट्रेशन। चलिए नाइट्रेशन में हम आपको बता रहे हैं कुछ बातें, ध्यान दीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपके लिए, जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो हम बता देते हैं आपको। इसलिए फिनॉल की अगर अभिक्रिया हम तल नाइट्रिक अम्ल के साथ करते हैं तो आर्थो नाइट्रो फिनॉल एवं पैरा, आर्थो पैरा नाइट्रो फिनॉल का क्या होता है, मिश्रण प्राप्त होता है। फिनॉल की अभिक्रिया अगर हम तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ करते हैं तो आर्थो एवं पैरा नाइट्रो फिनॉल का मिश्रण प्राप्त होता है, किंतु यदि हम फिनॉल की अभिक्रिया सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ H2SO4 की उपस्थिति में कर देते हैं तो 2,4,6 मतलब सभी आर्थो और पैरा पोजीशन लॉक, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल या पिक्रिक अम्ल प्राप्त होता है। और आपसे एग्जाम में पूछा कैसे जाता है, फिनॉल से पिक्रिक अम्ल बनाइए या फिनॉल की नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया के बाद क्या बनता है। तो आपको रिएक्शन की पूरी टॉपिक का जो पूरा निचोड़ था वो हमने आपको क्या किया यहाँ पे बता दिया। अब चलिए हम आगे रिएक्शन को बताते हैं। तो ध्यान देंगे यहाँ पे, फिनॉल की अभिक्रिया तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ करने पर, फिनॉल की अभिक्रिया तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ करने पर आर्थो एवं पैरा नाइट्रो फिनॉल का मिश्रण प्राप्त होता है। मतलब आर्थो नाइट्रोफिनॉल भी मिल सकता है और क्या मिल सकता है, पैरा नाइट्रोफिनॉल भी मिल सकता है। यह है राजू आपका फिनॉल, और हमने इसकी रिएक्शन किससे करा दिया, तनु HNO3 से। और जब तनु नाइट्रिक अम्ल से करते हैं, यह आपका है फिनॉल और वो तनु नाइट्रिक अम्ल है, तो आपको मालूम है कि HNO3 में इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, NO2। तो यहां से NO2 और बचा फिर क्या, OH, और जहां से जुड़ेगा वहां से H, तो H2 बाहर होता तो जानते ही हो। लेकिन हमको जो यहाँ मिक्सचर रिएक्शन में रिएक्शन को ध्यान देना पड़ता है कि एक बार आर्थो पे लिख सकते थे फिर पैरा पे लिख सकते थे, इसलिए उसको बैलेंस करने के लिए ज्यादा परेशान मत होना। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH, अब इसकी आर्थो पोजीशन ये है, चाहे आप इधर लिखे चाहे इधर लिखे के बतिया भी। और अगला कंपाउंड क्या मिल सकता है, इसका नाम क्या हो जाएगा,
आर्थो वन की रेफरेंस में दूसरी पोजीशन, तो आर्थो फिर क्या बोलोगे नाइट्रो, कुछ लोग टू नाइट्रो भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, आर्थो नाइट्रो फिनॉल। और अगला जो मिक्सचर्स बनेगा भैया वो आपका ओएच, और अगली बार कहा जा सकता है पैरा पे, तो ये आपका कहलाएगा पैरा नाइट्रो फिनॉल, क्या कहलाएगा पैरा नाइट्रो फिनॉल। लेकिन अब यहीं से कहानी कुछ चेंज हो जाती है, सुनिए ध्यान दीजिए, किंतु फिनॉल की अभिक्रिया, अभी इन सब में भी पूछा जाता है किसमें रिएक्टिविटी का आर्डर कौन है, स्टेबल कौन ज्यादा है, एसिडिक कौन ज्यादा है, यही सब आईआईटी और जेई में पढ़ाया जाता है, आप इस चीज को भी वहां पढ़ते हैं जान लीजिएगा। तो आप विचार करिए कि आप जहां से इंटरमीडिएट खत्म होता है वहीं से कंपटीशन आपका शुरू होता है, जो हकीकत है वो मैं आपको बता रहा हूं, जहां से आप खत्म करते हो वहां से कंपटीशन शुरू है। इसीलिए कहता हूं कि आपको दिमाग से पहले तो पूरी किताब पढ़िए तब आप कंपटीशन में आगे जाने का प्रयास करें, पूरी इंटरमीडिएट की केमिस्ट्री, इलेवेंथ की केमिस्ट्री, पूरी फिजिक्स, पूरी मैथमेटिक्स आप ऐसे नहीं कर सकते, पूरी बायोलॉजी अगर आप नीट का एग्जाम देना चाहते हो तो पूरी बायोलॉजी पहले कंप्लीट कीजिए तब आप एग्जामिनेशन में जाइए। और इतने ज़्यादा कंपटेटिव हो गए हैं, इतने ज़्यादा बच्चों की संख्या हो जाती है, सीटें कम होती हैं, और आप अब भी उसी गुमान में पड़े हो, सोचते हो कि जब हम पास हो जाएंगे तो देखेंगे फिर क्या करना है, तो जब सामने कोई चीज़ आ जाता है तब समस्या नहीं खड़ी देखी जाती है, समस्या को पहले से ही समझा जाता है कि वो समस्या आएगी, उसका निराकरण पहले से ही धीरे धीरे किया जा सकता है। तो इस चीज को आप जानिए, समझने का प्रयास कीजिए आप सबको। किंतु फिनॉल की अभिक्रिया, मेरी बात को समझिएगा ध्यान दीजिएगा, किसके साथ हो, सांद्र नाइट्रिक अम्लों, किंतु फिनॉल की अभिक्रिया सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ हो, किसकी उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में करने पर 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल, बड़ा अच्छा नाम है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल, या इसका एक नाम और है पिक्रिक एसिड, ऐसे पूछा था फिनॉल से पिक्रिक एसिड बनाइए, पिक्रिक एसिड प्राप्त होता है। तो हम देखिए रिएक्शन को लिख रहे हैं राजू, ये आपकी बेंजीन रिंग, ये हो गया फिनॉल, अब हम इसकी अभिक्रिया HNO3 के साथ करेंगे, किसके साथ करेंगे HNO3 के साथ, और इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 रिएक्शन इसका जब हम करेंगे यहां पे, तो मैंने बताया क्या कि 2,4,6 मतलब पहली बार आर्थो पे जाएगा, फिर इस पोजीशन पे जाएगा और इस पोजीशन पे, तो तीन बार रिएक्शन होगा, लेकिन मैं एक ही स्टेप में बता रहा हूं इसलिए हम कितना नाइट्रिक अम्ल लिया जाएगा, तीन। तो यहां पे अब आप ध्यान दें, ये हो गया रंजीत रिंग, ये OH यहां से कोई चेंज नहीं, एक यहां पे NO2 और एक NO2 यहां पे और एक NO2 यहां पे, ये देख लीजिए। अब अगर आप नंबरिंग करोगे तो ये फंक्शनल ग्रुप है, यहां से नंबर एक, नंबर दो, नंबर तीन, नंबर चार, नंबर पांच, नंबर छह, तो आप देख लीजिए, और माइनस क्या होगा, -3H2। तीन स्टेप में है लेकिन एक स्टेप में बता रहा हूं इस रिएक्शन को, पहली बार यहां पे गया है, दूसरी बार यहां पे, फिर तीसरी बार यहां पे, तो उसी को मैंने तीन बार रिएक्शन को ही स्टेप में दिया, केवल एक रिएक्शन बता दिया।
तो अब जब इसका नॉमिनेशन करोगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो अब नाम लिखोगे देखो 2, 4, 6 ये छठी पोजीशन होगी ना। और फिर तीन बार है तो क्या कहोगे ट्राई और NO2 को क्या कहते हो नाइट्रो 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो और फिर क्या कहोगे फिनोल 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो फिनोल और या इसी को कहा जाता है पिक्रिक एसिड या पिक्रिक अम्ल। तो जब आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि फिनॉल से आप पिक्रिक अम्ल बनाइए तो आप यही रिएक्शन लिखेंगे। फिनॉल की रिएक्शन अगर तीन नाइट्रिक अम्ल के अणुओं के साथ किया गया है तो आपको 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल या पिक्रिक एसिड प्राप्त होता है। ये आपको ध्यान देने वाली बात है। और अगली अभिक्रिया अब आपको बता रहा हूं हैलोजनीकरण। ये भी आपकी क्या है एक तरीके से इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आया हुआ एग्जाम में हैलोजनीकरण भी। आप अनसॉल्वड को अगर हो आपके पास नहीं तो आप पुराने पेपर्स रखे हो उसको आप चेक करें तो वहां से आपको मिलेगा कि कौन सा रिएक्शन आपको होता है। तो इसमें दूसरा बता रहा हूं हैलोजनीकरण किसका फिनॉल मतलब फिनॉल की अभिक्रिया हैलोजन के साथ की जाती है। जो फिनॉल है अगर उसका रिएक्शन किसके साथ किया जाता है हैलोजन के साथ और जो फिनॉल हुआ करता है हैलोजन के रूप में हम जैसे प्रयुक्त किया करते हैं तो उसमें हम क्या किया करते हैं आप ब्रोमीन भी ले सकते हैं और खास तौर से ब्रोमीन से ही क्रिया बताई गई है। तो यहां पे आपको यह बताया जाता है ब्रोमीन से क्रिया या ब्रोमीकरण भी कह सकते हो ब्रोमीकरण ब्रोमिनेशन खास तौर से ब्रोमीन वाला ही रिएक्शन इसमें क्या किया जाता है बताया जाता है। तो आपको बता रहे हैं ध्यान दीजिएगा फिनॉल की अभिक्रिया ब्रोमीन द्रव यही पूछा था फिनॉल की अभिक्रिया ब्रोमीन द्रव के साथ करने पर ब्रोमीन द्रव के साथ करने पर ब्रोमीन द्रव के साथ करने पर फिर वही एकदम पूरी कंडीशन जैसे उसमें बताया था पहली बार ब्रोमो जाएगा आर्थो पे फिर पैरा पे फिर आर्थो पे तीनों पोजीशन को लॉक करेगा एक साथ। तो यहां पे बता दिया करने पर 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल ट्राई ब्रोमो फिनॉल प्राप्त होता है प्राप्त होता है। फिनॉल की अभिक्रिया ब्रोमीन द्रव के साथ अगर की जाती है तो 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल प्राप्त होता है। अब ये देखिए ये आपका क्या है राजू फिनॉल है और अगर हमने ब्रोमीन धातु से किया तो जैसे मान लीजिए अगर जो बच्चे चाहते हैं कि तीन स्टेप है तो Br2 अब ये Br2 जो होगा इसके साथ अभिक्रिया करोगे तो यहां पे OH ये इसको पहली बार ब्रोमो पोजीशन को आर्थो पे ले जाएगा तो आर्थो यहां पे है तो जब यहां पे गया तो ये Br यहां से जुड़ गया तो यहां से क्या निकला H ये Br और यहां से अब क्या बाहर हो गया आपका HBr। अब फिर इसका रिएक्शन आप फिर कराते Br2 से तो अब की बार जब ये अटैक करता इसके ऊपर OH और यहां ऑलरेडी Br है अब ये जब अटैक करेगा तो ये आर्थोल इलाक होगा ये अब इस पोजीशन पे जाता ये Br फिर एक HBr बाहर होता और फिर इसका रिएक्शन आप Br2 से करते तीन बार है ना ये देखिए 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप जैसे ब्रोमीन वाला मैंने बताया था तो उसका नाइट्रिक अम्ल
तो अब यहां पे तीसरे स्टेप में क्या होगा, OH ये भी पोजीशन लॉक हो गई है, ये भी पोजीशन लॉक हो गई, अब जाएगा कहां? तो अब इसके पास यहीं पे जाने का केवल उपाय है, यही देख लीजिए ये तीन स्टेप है, ये जो बताया गया ये आपको तीनों स्टेप में बताया गया है, और इसी रिएक्शन को अगर हम लिखना चाहते हैं तो केवल एक स्टेप में, तो वो एक स्टेप का जो रिएक्शन होता है वो केवल आपका यही होता है, ये आपका हो गया फिनॉल, ये पहला स्टेप, और अब इसमें क्या किया जाता है, इसके तीन मॉलिक्यूल लिए जाते हैं, कितने मॉलिक्यूल लिए जाते हैं, तीन मॉलिक्यूल, तो ये हो गया आपका 3Br2, और जो ये 3Br2 इसके मॉलिक्यूल हुआ करते हैं, अब आप खुद विचार कर लीजिए कि यहां पे जो इसका फाइनल प्रोडक्ट होगा उसी को तो लिखोगे, और फाइनल प्रोडक्ट आपका जो है यहां OH पहली बार यहां पे लॉक किया, दूसरी बार यहां पे लॉक किया, और तीसरी बार यहां पे लॉक किया, और बाहर आपका क्या हो गया बताइए, 3HBr। तो ये तीन स्टेप के रिएक्शन है और ये केवल एक स्टेप का, तो आपको भी यही अच्छा लग रहा होगा, इसका नाम है ब्रोमीन द्रव, क्या नाम है इसका, ब्रोमीन द्रव, और ये हो गया, आप नंबरिंग करोगे यही करोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इसका जो नाम लिखोगे ये हो जाएगा 2, 4, 6, और ये हो जाएगा ट्राई ब्रोमो, क्या नाम हो जाएगा, ट्राई ब्रोमो, 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो, और जब हो गया तो लास्ट में बचा क्या आपका, फिनॉल, 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल। तो ये भी एक तरीके से इसका क्या है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कि अगर हम फिनॉल की अभिक्रिया ब्रोमीन द्रव के साथ किया करते हैं तो 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल प्राप्त होता है, ये थर्ड तीन स्टेप में मैंने बताया हुआ है, और ये मैंने ऐसे नाइट्रिकम वाला भी होगा, और लास्ट में यहां पे आपको क्या मिल गया, 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल्स, दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। अगला इसी के ही अंतर्गत एक रिएक्शन है जिसका नाम है, आपको हम बता रहे हैं ध्यान दीजिएगा, वो है आपका फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया, ये चीज आप ध्यान दीजिएगा, इसको आप कॉपी में नोट्स करेंगे। तो आगे जो रिएक्शन अगला है फ्रिडल क्राफ्ट, आप लोग जानते हो फ्रिडल क्राफ्ट दो होता है, एक होता है फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन और एक होता है फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। वेल आप जब रिएक्टेंट के रूप में एल्किल हैलाइड लिया करते हो तो उसको फ्रिडल क्राफ्ट क्या कहते हैं, एल्काइलेशन कहते हैं, और जब आप रिजेक्ट के रूप में क्या लिया करते हो, आप एसिटिल क्लोराइड लिया करते हो, अम्ल हैलाइड, तो उसी रिएक्शन को ही हम लोग क्या कहा किया करते हैं, जब आप अम्ल हैलाइड लिया करते हो तो उसको एसाइलेशन बोलते हैं। तो अगर हम फिनॉल की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड, जैसे मेथिल क्लोराइड ले लिया आपने, फिनॉल की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड के रूप में अगर मेथिल क्लोराइड से करते हैं तो आपको 2-हाइड्रोक्सी या आर्थो हाइड्रोक्सी टॉलुइन और पैरा हाइड्रोक्सी टॉलुइन प्राप्त होता है, आर्थो हाइड्रोक्सी टॉलुइन एवं पैरा हाइड्रोक्सी टॉलुइन प्राप्त होता है। और जब मैंने फिनॉल के क्लासिफिकेशन के समय बताया था तो उस चीज को मैंने वहां पे भी आपको ऑब्जर्व करके बताया था कि आर्थो हाइड्रोक्सी टॉलुइन को हम लोग कहते हैं आर्थो क्रिसॉल, और पैरा हाइड्रोक्सी टॉलुइन को हम लोग क्या कहा करते हैं, पैरा क्रिसॉल। एक मेटा क्रिसॉल भी मैंने बताया था, लेकिन इसमें फिनॉल में मेटा तो बनता नहीं है क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, तो लेकिन वो एग्जाम्पल्स है आपका केवल। तो यहां पे आप लोग ध्यान दीजिएगा किसके साथ, फ्रिडल तीसरी रिएक्शन है ये, फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया, फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया, ये चीज ध्यान देंगे। तो आपको मैं बता रहा हूं, यहां ध्यान दीजिए, फिनॉल की अभिक्रिया किसके साथ बताइए, फिनॉल जो है अगर हम इसका रिएक्शन किसके साथ किया करते हैं, मेथिल क्लोराइड एल्किल हैलाइड है ना ये, के साथ, और यहां जो रिएजेंट होता है AlCl3, इस फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया का ये रिएजेंट है,
HCl3 की उपस्थिति में करने पर आप बताइए क्या मिलता है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी टॉलुइन एवं पैरा हाइड्रोक्सी टॉलुइन का मिश्रण प्राप्त होता है। फिनॉल की अभिक्रिया अगर हम मिथिल क्लोराइड के साथ AlCl3 की उपस्थिति में करते हैं तो आर्थो हाइड्रोक्सी टॉलुइन एवं पैरा हाइड्रोक्सी टॉलुइन जैसे इसमें बताया था वैसे ही पूरा कांच मिक्सचर्स मिलेगा। यह है आपका फिनॉल। अब यहां पे आपने क्या लिया है CH3Cl देख लीजिए, और अब उसके बाद यहां पे उपस्थिति किसकी होगी AlCl3 की। ये तो आपका क्या है मिथिल क्लोराइड, ये एक प्रकार का एल्किल हैलाइड है, ये है आपका मिथिल क्लोराइड। अब जब इसके साथ आपने रिएक्शन किया तो यहां से सब लोग को मालूम है यहां एक बार आर्थो पे जाएगा ये, और इस मिथिल क्लोराइड में इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है मिथिल ग्रुप होता है और न्यूक्लियोफाइल क्लोराइड आयन होता है। तो आप यहां से अब आप देखिए ये हो गया और यहां पे आपका क्या है OH। एक बार ये CH3 कहां जाएगा आर्थो पे, तो यहां पे लिख दिया CH3। अब बताइए यहां से चला गया तो यहां से क्या निकला H और Cl बाहर हो गया HCl, और फिर दूसरी बार कहां जाएगा ये यहां HCl बाहर कर सकते हो, दो बार करोगे दो निकलेगा। तो अब यहां पे जब करोगे अगली बार पोजीशन पे तो ये हो गया OH और अगली बार यहां पे, तो यही है इसी का नाम है आर्थो हाइड्रोक्सी टॉलुइन, इसका नाम नहीं दे रहा हूं आर्थो हाइड्रोक्सी टॉलुइन। इसी आर्थो हाइड्रोक्सी टॉलुइन का एक नाम और मैंने बताया था आर्थो क्रिसोल, और जो अगला कंपाउंड है ये आपका क्या है राजू पैरा हाइड्रोक्सी क्रिसॉल, और जो ये पैरा हाइड्रोक्सी क्रिसॉल हुआ करता है इस पैरा हाइड्रोक्सी क्रिसॉल का नाम हो सॉरी पैरा हाइड्रोक्सी टॉलुइन, पैरा हाइड्रोक्सी टॉलुइन का नाम होता है पैरा क्रिसॉल। तो ये आपको हमने क्या कर दिया यहां से आपको पूरा एक तरीके से अगर आपको देखा जाए तो पूरा मैंने आपको एक सेशन के रूप में पूरी इसकी केमिकल प्रॉपर्टी को बताने का यहां से हमने क्या किया है प्रयास किया है। और अगर आप सब लोगों को ये पूरी बातें एकदम विधिवत तरीके से समझ में आ रही हैं तो आप सब लोग कमेंट करिएगा, और नहीं समझ में आ रहा है तो मत करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।